हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज हम लोग जो 7th क्लास मराठी का बुक है उसका यहाँ पे जो 6th वाला चैप्टर है मराठी का, थोरांची आखड़ डॉक्टर खान खोजे, ये इनका डॉक्टर खान खोजे का ये एक चैप्टर है थोरांची ओखड़। इसका यहाँ पे जो कम्प्लीट एक स्वाध्याय है वो हम लोग लेके आ गए हैं, जिसमें आप देखोगे कि सबसे पहला जो आपको प्रश्न पूछा गया है वो आपको पूछा गया है कि खालील विधा ने सत्य की असत्य ते लिया। ओके, तो हमने क्या किया है, ये विधान है, विधान के आगे ही ये सत्य है या असत्य है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको लिख के दी है। सिर्फ आपको इतना ही पूछा है कि ये विधान सत्य है या असत्य है, आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं कहा गया है। तो सिर्फ इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सत्य और असत्य यहाँ पे आपको लिख के दिया गया है। ओके, उसके बाद अगर आप प्रश्न दूसरा देखते हैं जहाँ पे आपको पूछा गया है कि खालील आकृति पूर्ण करा, तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि भाऊ खेड़ो पाड़ी जाऊन या विषयावर भांडण भाषण देते, तो कौन कौन से विषय हैं यहाँ पे, स्वदी, चढ़वड़, भारतीय इतिहास, भारतीय स्वतंत्र। ओके, तो यहाँ पे तीनों आंसर आपको इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखने हैं, ये पहला आपका, ये दूसरा और ये आपका तीसरा। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट प्रश्न देखते हो जहाँ पे आपको पूछा गया है कि कसातील योग्य पर्याय शोधुन रिकाम्या जागा भरा, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे पहले का आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, अमेरिका, सेकंड का यहाँ पे जेनेटिक्स, और थर्ड का यहाँ पे कृषि शास्त्र। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीजों को आपको इसके अंदर लिखना है जहां पे आपका रिक्त स्थान दिया है, जहां पे आपको खाली स्थान दिया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट प्रश्न देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि मक्या पासून कोण कोणते पदार्थ तैयार केले जातात, त्यांची यादी तैयार कर। ओके, तो मक्का, मक्का तो आपको सभी को पता है, जिसका इस्तेमाल आप जो कॉर्न होता है ना, भुट्टा, उसका इस्तेमाल हम लोग कौन कौन से पदार्थ को तैयार करने के लिए कर सकते हैं, तो यही सारी चीजें यहाँ पे आपको बतानी है। और आपको पता है कि मक्के का इस्तेमाल बहुत जगह किया जाता है, मतलब हर एक डिश में आप मक्के का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे जो डिश है बहुत ज्यादा विख्यात है मक्के के लिए, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो आपको नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि दूरदर्शन, वृत्त पत्रे के पुस्तके, अंतरजाल या सारका विविध माध्यम द्वारे तुम्हाला आवडणारे थोर व्यक्तीची माहिती मिळवा या माहितीचे हस्तलिखित तैयार करा। ओके, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में यहाँ पे लिखा है जो है राजेश देशपांडे, और वो किससे बिलोंग करते हैं, वृत्त पत्र का, यानी अंतरजाल से। ओके, तो ये एक काल्पनिक होता है, इसमें आपको भी ऐसा ही लिखना होगा। अगर आप चाहो तो किसी का भी ले सकते हो एग्जाम्पल, आपके मित्र का ले सकते हो, आपके जो दोस्त हैं उनका आप एग्जाम्पल लेके इस चीज को आप तैयार कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको पूरे जो किस तरीके से आपको लिखना है, क्या क्या लिखना है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बहुत प्रॉपर तरीके से सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है कि तुम्ही काय करा, यानी यहाँ पे आपको एक प्रश्न दिया गया है, एक सिचुएशन होता है ना, आप इस अगर आप यहाँ पे होते तो आप क्या करते हैं, इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको पूछी गई है। जैसे तुम्ही सहेली साठी गडावर गेला आहात, तेथील परिसरात फिरताना तुम्हाला पाण्याचे बाटल्या व कचरा दिसत आहे, तो तुम क्या करोगे। ओके, अगर आपको पानी की बाटली, ओके, और आपको कचरा दिसता है, अगर आप कहीं पे घूमने जाते हो तो आप क्या करोगे वहां पे, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बतानी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि खालील दिलेला तख्ता पूर्ण करा, जिसमें आपको वाक्य तो दिया है लेकिन आपको क्या करना है, क्रियापद लिखना है, क्रिया विशेषण लिखना है और क्रिया विशेषणाच्य प्रकार लिखना है। ओके, तो यहाँ पे आपको पूरा जो एक कंप्लीट आंसर है आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले में, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे के सारे आंसर यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से दिए गए हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट आपको प्रश्न पूछा गया है कि खालील वाक्यात कसातील योग्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय लिहा, तो यहाँ पे आप सब में देख सकते हैं हमने क्या किया है, जो आंसर है उसको रिक्त स्थानों पर लिख के दिया है ताकि आपको कोई भी जो ये है प्रॉब्लम है वो ना फेस करनी पड़े। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी के आंसर लिखे भी हैं और साथ में हाईलाइट भी करके दिए हैं प्रॉपर तरीके से। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाला जो स्वाध्याय है यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इस स्वाध्याय के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग हमें कमेंट करके बोल सकते हैं, अगर आपको एजुकेशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग हमें टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, आपको दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। ओके, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, आपको सिर्फ लाल वाला जो बटन है वो प्रेस करना है, आप अपने मम्मी पापा के मोबाइल में भी आप इसको कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
थैंक यू सो मच।